पहाड़ों में शुरू हुई बारिश ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से नमी पाकर कोहरे ने जमी तो बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। शुक्रवार का मौसम इस बदलाव की गवाही दे रहा है। धूप में वो चमक नहीं दिखी जो पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी। दोपहर तक कोहरे ने चमक को कम करने का काम किया तो दोपहर बाद बादलों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। नतीजतन हल्की सी सही लेकिन तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं मौसम में अचानक बदलाव को लेकर किसानों में खुशी तो राहगीरों और छात्रों को दिक्कतें हुईं। कोहरे की वजह से जमीन में नमी रहने के कारण फसलें अच्छी होंगी, पैदावार अच्छा होगा, लेकिन सुबह ड्यूटी व बच्चों को स्कूल जाने में इस कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए देव शरण पांडे, राम दर्श आदर्श और प्रियांशु सहानी ने कहा। मेरा नाम डीएस पांडे देवशरण पांडे है। पहले पछुआ हवा चलती थी और ठंड काफ़ी थी और आदमी को ठंड लग रही थी, लेकिन अभी जो है अभी कोहरा गिरने लगा और गलन होने लगी। बहुत मौसम जो है बहुत ठंडा है। आने जाने में पहले भाई जो आदमी एक घंटे में कहीं अपने आगंतुक स्थल पर पहुंच जाता था, इस समय जो है दो घंटे का ढाई घंटे भी लग जाते हैं और वाहन वगैरह चलाने में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। राम दरस असर पड़ेगा। इसके पहले पछुआ बाता था जिससे फसल पर सिंचाई के लिए तमाम परेशानियां बढ़ रही थी। अब ये कुहरे से ये लाभ दिख रहा है कि अब सिंचाई नहीं करना पड़ेगा, फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। सारी फसल के लिए, गेहूं, मटर, जौ, सारे फसलों के लिए लाभदायक रहेगा। आदर्श कुमार यादव, गोरखपुर से आ रहे हैं। कुहरे का क्या असर देखने को? कुहरा तो बहुत तेज है, दिखाई नहीं दे रहा है, गलन महसूस हो रही है और बहुत अच्छा है। कोहरा गिरेगा फसल अच्छी होगी, फसल बर्बाद के कगार पर है। वाहन चलाने में कितनी दिक्कत? वाहन चलाने में तो बहुत कठिनाई हो रही है, आगे दिख नहीं रहा है, उसके बाद ठंड लग रही है बहुत मुश्किल से। तो धीरे धीरे तो गोरखपुर से आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, अभी घंटों लग गया, एक घंटा कम से कम ऊपर हो गए चल के। मेरा नाम प्रियांशु सहानी है, बरवल से जा रहे हैं कॉलेज। सर आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, पहले से भी ठंडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। और स्कूल जाते समय आज कोहरा बहुत ज़्यादा भी गिरा है। क्या दिक्कत है? ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है आज, पहले से भी ज़्यादा है।